हाय गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप लोग। और इस सीरीज में बात करने वाला हूं सर, कैसे आप अपने सीए फाइनल और सीए आईपीसी के एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और अगर बहुत समय से सर आप लोगों के एग्जाम्स रुके हुए हैं तो आपने अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। इस सीरीज का मैंने नाम रखा है संकल्प सीरीज, और मैंने लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों के साथ संकल्प का पहला ए डिस्कस किया था, दैट इज एटीट्यूड। अगर आप लोगों ने सर वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ, जरूर देखें। आज अब इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ संकल्प का के, एंड दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बात करते हैं हम लोग के बारे में। के फॉर कीवर्ड्स, यस, के फॉर कीवर्ड्स, एंड दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ICAI जो एक्सपेक्ट करता है ओवर द टाइम, जो मुझे समझ में आया है, चाहे कोई कुछ भी कहे सर, चाहे कोई मुझे आके इसके लिए कुछ भी बोले, मैं इस बात को बोलने से बिल्कुल नहीं डरूंगा। ICAI आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप कहीं ना कहीं अपना आंसर उनके आंसर से थोड़ा बहुत मैच करके आए। अब थोड़ा बहुत से मेरा क्या मतलब है, एटलीस्ट आपके मेन वर्ड्स, की वर्ड्स मैच करने चाहिए। और जब आपके की वर्ड्स मैच करते हैं ना, बिलीव मी, चेक करने वाले को भी लगता है कि यार ये तो बहुत बड़ा खिलाड़ी निकला, तो चलो इसको नंबर देते हैं। सोचिए सर, आपका आंसर और ICAI का सेस्टेड आंसर अगर मैच करता हो तो राइट, तो सर मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये बात तो पक्की है। इसे कोई भी एग्जाम चेक करने वाला अपनी नॉलेज से आंसर जरूर, मतलब नॉलेज अप्लाई करता होगा, बट डायरेक्टली अपनी नॉलेज से आंसर चेक नहीं करता होगा। उसे कुछ तो गाइडलाइंस मिलती होगी, कोई तो सर सैंपल आंसर्स मिलते होंगे। अगर आपके आंसर उन सैंपल आंसर से मैच कर रहे हैं तो आप बनेंगे हीरो। अब ये कीवर्ड्स कैसे याद करेंगे? ओके, सो कीवर्ड्स याद करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे कि मैंने अपनी जो बुक्स बनाई है उसमें कीवर्ड्स को हाईलाइट कर रखा है या मार्क कर रखा है। आप उन्हें अलग से, आप किसी बुक से पढ़िए, नॉट एन इशू, आप सर उन्हें अलग से लिख के रख सकते हैं और उनको बार 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 बोल के देख सकते हैं। कुछ उनके अंदर फनी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा समय तक याद रह जाए, यानी कि आप मेमोरी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, ये आपको कहाँ कहाँ काम आने वाला है सर, लॉ में, ऑडिट में, IT में, या आप CMIL में तो इस्ता में, है ना। ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सर, यहाँ पे आपको कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। आप मुझसे, मैं IPCC पे SM या ऑडिटिंग पढ़ाता हूँ बच्चों को, लगभग दोनों ही सर, एटलीस्ट आप लोगों को लगता है थ्योरी सब्जेक्ट है, बट मुझे लगता है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। बट फिर भी हमें इनमें बहुत सारे कीवर्ड्स लिखने होते हैं। आप मुझे कोई भी टॉपिक बताएंगे, मैं आपको उसके कीवर्ड्स निकाल के दे सकता हूँ। बात करते हैं सर, आपके एक कोई ऐसा टॉपिक चूज कर लेते हैं सर जो IPCC के लिए रेलेवेंट हो। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में अगर मैं बात करूँ सर, चैप्टर नंबर 4 में एक स्ट्रैटेजी हमारी आती है जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट लीडरशिप। आई होप आपने देखा होगा। अब कॉस्ट लीडरशिप जो स्ट्रैटेजी है, या फोकस स्ट्रैटेजी उठा लीजिए, कोई भी उठा लीजिए, मैं आपको किसी के भी कीवर्ड्स ऐसे ही बता सकता हूँ। जैसे फोकस स्ट्रैटेजी, अब फोकस स्ट्रैटेजी में क्या है सर, चूजिंग अ सेगमेंट दैट इज ऑफ सफिशियंट साइज, हैज गुड ग्रोथ पोटेंशियल एंड इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ द अदर मेजर कॉम्पिटिटर्स। सर आपको तो याद होंगे, आप टीचर हो। नहीं नहीं, मैंने इसमें कीवर्ड्स पकड़ रखे हैं सर, सफिशियंट साइज, गुड ग्रोथ पोटेंशियल, सफिशियंट साइज, गुड ग्रोथ पोटेंशियल, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ये तीन चीज़ें मुझे याद आती हैं, मैं पूरा सेंटेंस बना देता हूँ। और ये तीन चीज़ें सर, आई बेट यू आप ICAI का स्टडी मैट खोलिए, प्रैक्टिस मैनुअल खोलिए, आपको कॉस्ट लीडरशिप में वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। सो कीवर्ड्स आर रियली इंपॉर्टेंट, आप उन्हें सर अलग से लिखिए, उनको याद करिए, उनके साथ फन करिए, उन्हें लर्न करिए, मेमोरी टेक्निक्स लगाइए, उनके लिए चार्ट्स बनाइए, जो हो सकता है ना गाइस करिए, क्योंकि ये कीवर्ड्स आपको मार्क्स दिलाने वाले हैं। राइट, सो संकल्प का के हमेशा याद रखें, कीवर्ड्स कीवर्ड्स कीवर्ड्स, जितने आप लोग कीवर्ड्स रट्टा मार के जाएंगे ना उतना मजा आएगा। अब इसमें कई लोग अति दुखी आत्माएं नीचे लिखेंगे, सर हम ना CA कर रहे हैं, हम रट्टा नहीं मारेंगे। बेटा देखो, मोटिवेशनल बातें एक तरफ और प्रैक्टिकल जो लाइफ में अप्लाई होती है वो बातें एक तरफ। तो अभी बात हो रही है प्रैक्टिकल बातों की जो लाइफ में अप्लाई होती है। आप कितने ही समझदार क्यों ना हो, आप कितने ही बड़े इंटेलिजेंट व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं सर आप लोगों को थोड़ा बहुत रट्टा मारना पड़ेगा सी एग्जाम्स में, और आपको कीवर्ड्स याद रखने पड़ेंगे। आप अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख के आओगे ICAI, और सही भी है, ICAI को चाहिए प्रोफेशनल लैंग्वेज, ICAI को चाहिए सर मॉड्यूल की, प्रैक्टिस मैनुअल की लैंग्वेज, और जब तक आप वो नहीं लिखेंगे आप पास नहीं करेंगे। राइट, मैंने तो सर बहुत मेहनत करके इनको रट लिया है, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बहुत मेहनत करके रटवा देता हूँ। आप मेरे स्टूडेंट से मिलिएगा, कभी उनसे पूछिएगा फीचर्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, वो आपको ऐसे ही बता देंगे। राइट,
ऑडिट की डेफिनेशन रटनी बहुत जरूरी है। अब ऑडिट के अंदर हम लोग देखते हैं ओपिनियन की वो तीन लाइनें बहुत जरूरी हैं, रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मिडलमैन स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अभी ऐसी पंच लाइंस हैं, ऐसी की लाइंस हैं, ऐसे की वर्ड्स हैं जो अगर आपको याद होंगे तो सर आप पेपर में फ्लॉन्ट करके आ सकते हैं और वर्ड टू वर्ड चीजें मैच करा सकते हैं, है ना। तो गाइस कीवर्ड्स, और कीवर्ड्स निकाले कहाँ से, इंस्टीट्यूट के मटेरियल से। जितना आप इंस्टीट्यूट का मटेरियल रीड करेंगे, अंडरलाइन करेंगे सर, उसको आप लोग अपने अंदर उसको आप समाएंगे, उतने ज़्यादा आपको कीवर्ड्स याद हो पाएंगे और आप उतने ज़्यादा नंबर ले पाएंगे। ओके, सो गाइस डायरेक्टली रिलेटेड है, हायर द कीवर्ड्स यू आर यूजिंग इन योर एग्जाम सर, ग्रेटर द मार्क्स यू विल गेट, राइट। सो गाइस ये है संकल्प सीरीज, और संकल्प सीरीज में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपना एक ए और एक ए, के फॉर कीवर्ड्स, ए फॉर एटीट्यूड, और बाकी सारी सीरीज सर मैं आप लोगों के सामने लेके आऊंगा, धीरे धीरे परत को खोलेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हम बहुत ही अच्छे नंबर स्कोर कर पाए सी एग्जाम्स में। एंड यस, ये जो इतने समय से रुकी हुई चीजें हैं जो कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं, अब कंप्लीट होके रहेंगी, क्योंकि अब ले लिया है हमने संकल्प पास होने का, क्लियर होने का, राइट गाइज। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, एंड यस do check out the links given in the description in the comment box below, do give this video a thumbs up if you really liked it, and yes guys it's a family thing, so please help me help this channel to grow and subscribe the channel, do share the channel with all your friends, thank you very much, stay connected, stay ahead, jai hind, aur ha seekhte rahe kyunki seekhna band to jeetna band।